हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 5.6 के बारे में, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का सोल्यूशन होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं 5.6 की, उससे पहले आपको कुछ ट्राइंगल्स के बारे में समझना होगा कि देखिए ट्राइंगल बनता कब है। आपको सबसे पहले मैं बार बार बताता हूँ कि ट्राइंगल कैसे बनता है। देखिए एक लाइन होती है और एक लाइन के बाद जब दूसरी लाइन इसमें इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइनें आपस में आती है तो वहाँ पे एंगल बनता है। जब यहीं पे जब तीन लाइनें हो जाती हैं, यानी कि जब तीन साइड होती हैं, तो वहाँ पे ट्राइंगल बनता है। अब इस ट्राइंगल को, ये तो एक ट्राइंगल हो गया, हमने बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है जिसके अंदर तीन साइडें होती हैं वो ट्राइंगल होता है। बट इस ट्राइंगल को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग टाइप से डिवाइड किया है। एक जो ट्राइंगल को हमने डिवाइड किया है वो है बाई साइड। साइड के बेसिस पे हमने ट्राइंगल को अलग तरीके से डिवाइड किया है और एंगल के बेसिस पे हमने ट्राइंगल को अलग डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि एंगल वहीं बनता है जहाँ पे दो लाइनें होती हैं। तो एक ट्राइंगल के अंदर भी एंगल बनेगा, तो एंगल के बेस पे अलग ट्राइंगल होंगे और साइड के बेस पे अलग ट्राइंगल होंगे। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो उस ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल में इक्वल वर्ड लिखा आ रहा है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा आता है जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? जिसके अंदर तीनों साइडें बराबर थी। और सेकंड कंडीशन के अंदर जिसके अंदर दो साइडें बराबर होंगी, दो इक्वल साइड होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोसेलस ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलस ट्राइंगल। अब एक होता है स्केलन ट्राइंगल, जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, मतलब सारी साइडें अनइक्वल होती हैं, नो इक्वल साइड, दैट कॉल्ड अ स्केलन ट्राइंगल। तो ये तो बात हो गई साइड के बेसिस पे हमने ट्राइंगल्स को बताया। अब बारी आती है एंगल के बेसिस पे। देखिए एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है, अब आपने पढ़ा होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें जो 90 से छोटा होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स, इन ट्राइंगल में तीन एंगल भी होंगे, जिसके तीनों एंगल्स 90 से कम होंगे, वो हमारा एक्यूट ट्राइंगल होगा। अब सेकेंड वन, अगर किसी ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ये जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख पा रहे हो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब लास्ट ऑब्स्टूस एंगल जो होता है, उसमें भी होता है कि कोई एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 90 से बड़ा है कि इसका एंगल, तो ये हमारा ऑब्स्टूस ट्राइंगल होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स को अलग अलग टाइप से हमने डिवाइड किया है, बाई साइड और बाई एंगल। अगर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं तो फिर आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कहाँ पे इक्विलेटरल होगा, कहाँ पे आइसोसेलस होगा, कौन सा ऑब्स्टूस ट्राइंगल होगा, कौन सा स्केलन ट्राइंगल होगा। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर एक चीज दी गई है कि हमें टाइप बताने हैं ट्राइंगल का, कौन सा टाइप है। अगर टाइप के बारे में हमने पढ़ लिया है कि एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे हमने ट्राइंगल के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करी है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, लेंथ दी हुई है, साइड अलग अलग दी हुई है, एक 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर अलग अलग साइड दी गई है। अब मैंने बताया कि जब साइडें इक्वल होंगी, अनइक्वल होंगी, यानी कि जब इक्वल नहीं होंगी, तो वहां पे कौन सा ट्राइंगल होगा हमारा? फर्स्ट वाला जो होगा वो हमारा होगा स्केलन ट्राइंगल। सेकेंड वाले के अंदर भी सेम वही कंडीशंस दी गई, एक ट्राइंगल के अंदर ए बी, ए सी और बी सी दिया हुआ, जिसके अंदर कोई भी बराबर नहीं दिख रहा है, तो वो हमारा स्केलन ट्राइंगल होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तीनों चीजें बराबर दी गई है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, 5 सेंटीमीटर, तीनों बराबर दी हुई है, ये हमारा कौन सा होगा जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं? वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये होगा हमारा थर्ड वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जब एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो उस कंडीशन में हमारा जो ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की, क्वेश्चन नंबर ई की। क्वेश्चन नंबर ई के अंदर दिया गया है 90 डिग्री का एंगल दिया गया और दो साइडें बराबर दी गई हैं। तो यहाँ भी जब एक 90 डिग्री का एंगल होगा और दो साइडें बराबर हैं, यानी कि क्या आइसोसेलस ट्राइंगल होगा, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलस भी है और राइट एंगल भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की। क्वेश्चन नंबर एफ के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एंगल दिए हुए हैं वो 90 से कम है। अब 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें मैच द कॉलम में के अंदर बताना है कि कौन सा क्या होगा। देखिए मैच द कॉलम आप उसी के बेसिस पे ही करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने इस जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है और टाइप दिया हुआ है, तीन साइड है, इक्वल लेंथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल ई वाला होगा, फर्स्ट का ही हो जाएगा। आप बस टू साइड इक्वल लेंथ, टू साइड होंगी और लेंथ इक्वल होगी, तो आपको भी पता है कि वो हमारा आइसोसेलस ट्राइंगल होगा। तो ये हमारा आइसोसेलस हो गया सेकेंड वाला।
अब थ्री ऑल थ्री साइड है डिफरेंट लेंथ, तो स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा ये थर्ड का ये। और फोर्थ में दिया गया है कि थ्री एक्यूट एंगल, तीनों एंगल जब 90 से कम होंगे तो वो जो हमारा होगा वो हमारा होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। तो फोर्थ का एफ आ जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। इसके अलावा वन राइट एंगल होगा तो राइट एंगल हो जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ का डी हो जाएगा, फिफ्थ का डी ये हो जाएगा फिफ्थ का डी। और इसके अलावा फिफ्थ का डी और ये सी हो जाएगा सिक्स्थ का। सिक्स्थ का सी इसलिए होगा क्योंकि ऑब्स्टूस एंगल दिया जा रहा है, तो ऑब्स्टूस एंगल में क्या होगा आइसोसेल्स साइड, ऑब्स्टूस एंगल जब होगा तो वो राइट एंगल हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा जब सिक्स्थ वाले में, तो ये राइट एंगल होगा तो यहाँ पे टू साइड दिखे तो ये आइसोसेल्स हो जाएगा। अब जब ऑब्स्टूस एंगल्स की बात होगी तो ऑब्स्टूस एंगल्स के अंदर अगर मैं बात करूँ ऑब्स्टूस एंगल की, तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्स्टूस एंगल वाला एंगल ये वाला। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि ये ए वाला जो क्वेश्चन है, ए वाले का ई है, और ये जो इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, तो आप मैच कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली जो एक्सरसाइज है ना वो कम्प्लीटली बेस्ड है आपकी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी के बेसिस पे कम्प्लीट सॉल्व हो जाने वाला है, कि साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे अगर आपने ट्राइंगल को अच्छे से समझ लिया तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें हर किसी नाम बताना है कि डिफरेंट वे में यू मे जज द नेचर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नेम बताना है फॉलोइंग ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे दो साइडें बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, यहाँ पे तीनों साइडें अनइक्वल हैं तो ये स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा, बी वाला स्केलन हो जाएगा, और थर्ड वाले की बात करूँ दो बराबर हैं और इसमें एंगल की भी बात हो रही है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वाला जैसे कि मैंने बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, सेकंड वाला स्केलन ट्राइंगल होगा, और थर्ड वाला जो ऑब्स्टूस ट्राइंगल होगा, ऑब्स्टूस एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, और यहाँ भी राइट एंगल हो जाएगा, और ये इक्विलेटरल होगा, तीनों साइडें बराबर होंगी, और एक्यूट एंगल होगा क्योंकि 90 डिग्री से कम भी होंगे और तीनों साइडें बराबर हैं, और ये ऑब्स्टूस एंगल हो जाएगा एफ वाला। तो ये इसके आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर दिया क्या गया। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर की, माय डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर दिया गया कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल मैच स्टिक्स का यूज करके हमें ट्राइंगल बनाना है। देखिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल, कैन यू मेक ए ट्राइंगल विथ थ्री मैच स्टिक्स, क्या आप फोर थ्री मैच स्टिक्स के बेसिस पे हम ट्राइंगल बना सकते हैं, फोर के बेसिस पे, फाइव के बेसिस पे, सिक्स के बेसिस पे। रिमेंबर यू ऑल यू हैव यूज टू ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केसेस, सारे केसेस में हमें यूज करना है, और यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल थिंक अ रीजन फॉर इट, अगर नहीं बना सकते तो रीजन हमें बताना है। देखिए अगर तीन मैच स्टिक्स हैं तो ऑलरेडी ट्राइंगल बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूट ट्राइंगल बन जाएगा। पॉसिबल तो थ्री मैच स्टिक्स चाहिए, तीन मैच स्टिक्स में तो आसानी से हम बना सकते हैं, और चार मैच स्टिक्स में हम नहीं बना सकते क्योंकि जब जैसे हम चार मैच स्टिक्स को मिलाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हम नहीं बना सकते। और फिफ्थ में हम लोग बना सकते हैं, देखिए दो तीन चार हो ये फाइव, पांच मैच स्टिक्स होंगी, फाइव मैच स्टिक्स होंगी तो हम बना सकते हैं। दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड इट्स पॉसिबल टू मेक ए ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ फाइव मैच स्टिक्स, पांच मैच इन द केस ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन अ थर्ड साइड, दो साइडें बड़ी होंगी थर्ड साइड से, अब छः मैच स्टिक्स होगी तो पॉसिबल है क्या बना पाना, बिल्कुल यहाँ भी पॉसिबल। देखिए फाइव मैच स्टिक्स होगी तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, इस तरीके से ही बना सकते हैं, और छः मैच स्टिक्स होंगी तो भी बना सकते हैं, ये पॉसिबल है कि बन जाए ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ सिक्स मैच स्टिक्स, बिकॉज सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ग्रेटर देन अ थर्ड साइड, दो साइड का सम करेंगे तो ग्रेटर होगा हमेशा थर्ड साइड से, इसलिए हम बना सकते हैं सिक्स मैच स्टिक्स के बेसिस पे। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी जो कि हमारी एक्सरसाइज थी 5.6, और उम्मीद है मेरे फ्रेंड्स कि 5.6 आप सभी लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर समझ आता है तो आप अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।